आज हम लोग चैप्टर एवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप चैप्टर एवरेज पढ़ने से पहले एक काम जरूर कर दीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, वाच कीजिएगा, और जब भी पढ़ने बैठिएगा, चाहे मेरा वीडियो देख रहे होइएगा, उस समय एक कॉपी और एक कलम अपने पास में रखिएगा, ठीक है। कॉपी और कलम रखने से एक बेनिफिट मिलेगा, जैसे मैंने कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आपको उस डिजिट को लिखना होगा और उसी चीज को रिपीट करना होगा बार बार, इन्होंने कैसे किया, फिर आप डिजिट चेंज करके उसी को एक बार और रिपीट करके फिर आगे बढ़ बढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि वो चीज वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब वो कंसेप्ट क्लियर होगा फिर दूसरा क्वेश्चन आप टच कीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन कीजिएगा। इस तरह से करने के बाद एक समय आएगा कि आपको एवरेज से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो होप सो कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चैप्टर एवरेज शुरू करने से पहले एक आपको इंटरेस्टिंग कहानी सुना देता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली जो एवरेज का खोज किया था वो अपने परिवार के साथ कहीं पिकनिक पे जा रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ, एक नदी पड़ गई। अब क्या हुआ कि उसकी पत्नी बोली, ये देखो ये तो नदी आ गई रास्ते में। तो उन्होंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैंने एवरेज खोज निकाला है, मैं एवरेज के सिद्धांत से काम करूंगा, मैं देख लेता हूँ। वो गए नदी के अंदर, पानी का मेजरमेंट किया, कहीं पे 1 फीट था, कहीं पे 2 फीट था, कहीं पे 5 फीट था, कहीं पे 3 फीट था। इस तरह से उन्होंने जब एवरेज निकाला तो पानी का हाइट था वो था 2.5 फीट, और बच्चे का हाइट मेजरमेंट किया तो सबसे छोटा बच्चा का हाइट था 3.5 फीट। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब तो मैं पास कर ही जाऊंगा, ठीक है। फिर उन्होंने सभी बच्चे को लेके चले गए नदी में। जैसे ही कुछ आगे बढ़ेगी एक छोटा बच्चा उसमें डूबने लगा, तो उनकी पत्नी बोली कि ये देखो ये बच्चे डूब रहे हैं। तो बोले कि ये डूब रहे हैं, तो वो बच्चे को बचाने के बजाय वो जाके और इसको देखने लगे, किस चीज को, कैलकुलेशन को, जो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है, जो कि जो भी मैथमेटिशियन होता है वो ज्यादा खो जाता है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में नहीं, एक्चुअली उनको बच्चे की पानी के हाइट अगर ज्यादा है कहीं जहां 5 फीट है वहां बच्चे डूबेंगे ही डूबेंगे, ठीक है। ऐसे भी ये जोक था, इस पर ज्यादा कंसिडरेशन नहीं कीजिएगा, आगे माइंड फ्रेश करके आप वीडियो वॉच कीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा है एवरेज और मीन। एवरेज का अर्थ होता है औसत और मीन का अर्थ होता है मात, इस दोनों का मीनिंग एक ही होता है। इस दोनों का अर्थ होता है सम ऑफ टोटल डिजिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट। अब यहाँ पे सम ऑफ टोटल डिजिट क्या है, जैसे 15 है, 12 है, 9 है, 13 है, 11 है, एक अलग अलग डिजिट है, तो इसका अगर हमको एवरेज निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 15 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 11 अपॉन, देखिए यहाँ पे था 15, 9, 12, 13 और 11 अपॉन, अब कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ डिजिट है, यानी 5 डिजिट यहाँ पे यूज हो चुका है, 15, 12, 9, 13 और 11। तो इसलिए हम इसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे, लाइक एग्जाम्पल 5, ठीक है। अब इसको हम प्लस करेंगे, 15, 9, 24, 36, 49 और 11, 60, 60 अपॉन 5 आपको जो भी डिजिट दिया हुआ होगा, जितने भी डिजिट दिए होंगे उन सभी डिजिट का आपको सम करना है, और जितने डिजिट होंगे उतने डिजिट से डिवाइड कर देना है, जो निकलेगा वो एवरेज या मीन निकल जाएगा, ठीक है ना। दैट इज क्लियर, क्लियर। हाँ, अब देखिए यही एक क्वेश्चन है आपके सामने में, इसका एवरेज कैसे निकलेगा वो बताइए आप। एवरेज निकालने के लिए मैं सबसे पहले जितने भी मेरे डिजिट्स हैं मैं उन सबको ऐड करूंगा। मेरा सबसे पहला डिजिट है 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 3 अपॉन में जो मेरे टोटल नंबर ऑफ डिजिट है वो है 7। तो जब मैं 8, 6, 7, 9, 5, 11 और 3 को ऐड करूंगा तो इनका जो सम है वो आएगा 49।
अपॉन सेवन, तो एवरेज जो इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी सेवन। ठीक है, क्लियर। तो हमने मान के चलते इस तरह का जो भी सवाल अब आएगा आप उसको इस तरह से सम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्लियर। चलिए देखो, यहाँ पे जो भी सीरीज है इस तरह का हो, वन टू थ्री फोर डॉट 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 एन हो, चाहे वन हो, थ्री हो, फाइव हो, सेवन नाइन ट्वेल्व माइनस वन, इस तरह का जो भी सीरीज हो, ठीक है ना, उसके सभी के एवरेज निकालने के लिए एवरेज इक्वल टू होता है अब इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म हमारा क्या है और लास्ट टर्म हमारा क्या है। तो फर्स्ट टर्म हमारा वन है और लास्ट टर्म हमारा एन है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका एवरेज हमारा हो जाएगा वन प्लस एन अपॉन टू। ठीक है, तो हम सीधे देखेंगे और आंसर पुट अप कर देंगे वन प्लस एन अपॉन टू। सेकेंड क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड में। सेकेंड में क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा वन है और लास्ट टर्म हमारा ट्वेल्व माइनस वन है। तो फर्स्ट टर्म के जगह पर हम वन लिख देंगे प्लस टू एन माइनस वन अपॉन टू। अब क्या होगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, टू एन अपॉन टू इक्वल टू एन, यानी इसका एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन टू और इसका एवरेज हो जाएगा हमारा एन। यानी और नंबर का सीरीज अगर हो तो उसमें हमारा क्या होगा, जो एवरेज होगा वो होगा एन, ठीक है ना। और एन निकलेगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू करके, ठीक है। जैसे इसमें आपको एक से लेके यहाँ नौ तक किसी का एवरेज आपसे अगर पूछ रहा होता, ठीक है, सपोज कीजिए इधर डिवाइड कर दीजिए तो वन नाइन टेन अपॉन टू यानी फाइव, एवरेज मतलब बीच का। तो यहाँ से देख लीजिए फाइव, वन और टू डिजिट लेफ्ट कर देते हैं तो फाइव आता है, इधर से टू डिजिट लेफ्ट कर देते हैं तो फाइव आता है, ठीक है ना। यही इसका एवरेज कहलाएगा, ठीक है, एवरेज बीच का संख्या होता है। तो हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करेंगे अपॉन टू करेंगे और जो वैल्यू आएगा वही एवरेज होगा। थर्ड क्वेश्चन में आइए, थर्ड क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारा क्या है, टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, टू एन है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा टू, लास्ट टर्म हमारा क्या है टू एन अपॉन टू, ठीक है। टू कॉमन ले लीजिए, टू जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एन प्लस वन अपॉन में टू, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, यानी इसका एवरेज हमारा हो जाएगा एन प्लस वन यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू। तो यानी एवरेज नंबर था सपोज कीजिए हमारा आठ और एक दस यहाँ कर दे रहे हैं, सपोज कीजिए यही दो से लेकर दस तक का कोई एवरेज निकालना हो तो दस और दो कितने हो गए बारह, बारह को दो से डिवाइड करेंगे तो सिक्स, एक दो डिजिट इधर छोड़ दीजिए, एक दो डिजिट इधर छोड़ दीजिए, छह आ गया, ठीक है, डिजिट आ गया, इसी को हम लोग एवरेज करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस चलता रहेगा, आगे हम बढ़ते रहेंगे। देखो यहाँ पे हमने लिखा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, जस्ट इससे पहले जो हम डिस्कस किए थे सेम चीज है, सेम थीम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50 लेना है तो वन टू थ्री फोर डॉट 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 फिफ्टी, यही 50 नेचुरल नंबर है। अब इसमें हमारा जो है एवरेज निकालने के लिए कर रहा है, तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है एवरेज पहले लिख दिया, फर्स्ट टर्म हमारा है वन, लास्ट टर्म हमारा है फिफ्टी अपॉन टू, यानी फिफ्टी वन अपॉन टू यानी 25.5 हमारा एवरेज हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको ये फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर और नंबर इवन नंबर इस तरह का देता है, इसका सेंस यही होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि ये सब नहीं लिखेंगे, तो आपको समझाने के लिए हम लिखे हैं। जैसे ही आपको कहा था फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, देन आप इसको पुट अप कर सकते थे और इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अच्छा अब बताइए, तो 49 नेचुरल टर्म का अगर आपको एवरेज दे दिया जाए तो आप कितना बताएंगे, क्या आएगा एवरेज आपका,
अगर 49 की मेरे को एवरेज बतानी होगी तो उसकी जो एवरेज आएगी वो आएगी 25. ऐसे 49 में मैंने 1 ऐड करा तो वो हो जाएगा 50 और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो उसकी जो एवरेज आएगी वो आ जाएगी 25. आपने 1 ऐड क्यों किया? 1 ऐड इसलिए किया क्योंकि जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो थी 1 और जो मेरी लास्ट टर्म थी वो थी 49. दोनों को ऐड करा तो 50 हो गया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो उसकी एवरेज आ जाएगी 25. अब सेकेंड में देखिए कहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होता है हमारा सीरीज 2, 4, 6, 8 ठीक है .. 50 टर्म्स, यानी यहाँ पे हमारा एन इक्वल टू 50 आ गया ठीक है. बट अगर हम यहाँ पे लिखे 50 टर्म्स तक लिखते तो ये होता 2, 4, 6, 8 .. 100 ये होता हमारा ए एन, ध्यान रखिएगा यानी लास्ट टर्म ठीक है ना. तो अगर हम या तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं या रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर सकते हैं. ऐसे किए इसका मतलब हम 100 टर्म तक पूरा लिख दिए तो ये हमारा ए एन यानी लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो हमारा 100 आया. और यहाँ जो एन लिखे इसका मतलब है पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, इस तरह से ये 50, 50वां टर्म ठीक है. अब इस दोनों में हम इवन नंबर का जो आपको बताए थे फॉर्मूला बताए थे, हम यही बताए थे आपको इवन टर्म का मैंने फॉर्मूला बताया था एन प्लस वन, यानी यहाँ पे हमारा 50 टर्म वो हो गया प्लस वन यानी 51. एवरेज क्या हो जाएगा हमारा? एवरेज हो जाएगा हमारा 51. अगर हम उस सीरीज को लिए होते 2, 4, 6, 100 तो उसमें सबसे पहले लास्ट टर्म निकालते और लास्ट टर्म हो जाता हमारा 100/2 यानी 50 ठीक है ना. और फिर हम इसे कर देते 2 + 50/2 यानी 26 इस तरह से. यहाँ पे हम लोग क्या किए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नंबर ठीक है इवन नंबर. तो अगर उस क्वेश्चन के जगह पे 50 इवन नंबर नहीं लिखा हुआ हो, अगर तुम्हें लिखा हुआ हो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 इवन नंबर तो क्या होगा? 61 ठीक है. अगर तुम्हें लिखा हुआ रहेगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 500 नंबर इवन नंबर तो उसका आंसर होगा 501 ठीक है ना. तो इस तरह से अगर रहे 1,00,000 इवन नंबर तो 1,01,000 इस तरह से इसका मतलब तुम्हें इस चीज क्लियर हो चुका है कि अगर कितने भी इवन नंबर दिया हुआ रहेगा उसमें हम सिर्फ 1 प्लस करके उसको बता देंगे. क्लियर? क्लियर. अब नेक्स्ट हमारा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 और नंबर, यानी फर्स्ट 50 और नंबर है जिसका एज इट इज अगर आंसर लिखना होगा तो सीधे एवरेज इसका हो जाएगा 50 हो जाएगा ठीक है. क्यों? क्योंकि मैंने इसे जस्ट पहले जो मैं फॉर्मूला लिखाया हूँ, फॉर्मूला समझाया हूँ, उसमें मैं बता चुका हूँ कि जैसे ही अगर एवरेज है और नंबर का तो हम एन रख देते हैं और एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 50 थी. इसलिए हमने क्या किया है जस्ट 50 लिख दिया है. अगर यही है फर्स्ट 50 और नंबर है यानी ये 50 फर्स्ट और नंबर का मतलब हुआ 1 + 3 + 5 + 7 + .. 99 ठीक है ना. और ऐसे भी कर लो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 यानी फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म 99 अपॉन 2 यानी 50. तो ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है. यहाँ पे वो जो 50 दिया हुआ है वो ऑड नंबर की वैल्यू दी हुई है ठीक है ना. और ऐसे में सीरीज हो जाता है 1, 3, 5, 7, 99 ठीक है. क्लियर? क्लियर. अगर मान लो कि तुम्हें दिया हुआ रहता कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 odd number तो क्या लिखते? 100 first odd number same 99. क्लियर? अब मान लो कि तुम्हें दिया हुआ रहता कि first odd 88 number तो उसकी एवरेज हो जाती 88. गुड. इसका मतलब ये तुम देख रहे हो कि जो भी ये होगा वो एज इट इज लिखा जाएगा ठीक है ना. जो नंबर होगा सेम एज इट इज लिखा जाएगा. क्लियर? क्लियर. चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं. देखो इससे पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे,
वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर इस तरह से नेचुरल नंबर कर रहे थे। अब नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर किया हुआ हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या हो उसमें हम करते थे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू कर देते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्क्वायर होने के कारण इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू नहीं चलेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर का सबसे पहले हमको समेशन निकालना पड़ेगा, यानी उसका योग निकालना पड़ेगा। और उसका समेशन यानी योग जो होगा वो होगा एन एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन सिक्स, ये हमारा उसका समीशन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि अब वो तो रेगुलर सीरीज हो गया। अब कुछ कभी कभी क्या होता है कि सीरीज में मिसिंग रहता है, वन टू थ्री फोर फाइव नहीं दिया हुआ, सेवन स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर प्लस नाइन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया हुआ, फिर इसका हमको समीशन निकालना होगा। तो हम यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर रेगुलर सीरीज हो जा रहा है वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर इस तरह से रेगुलर हो तो उसका फॉर्मूला एक होता है। तो सबसे पहले हम इसको रेगुलर करने की कोशिश करेंगे, जैसे हम इसको रेगुलर करेंगे वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 सिक्स स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखोगे कि ये डिजिट, ध्यान देना इतना डिजिट यहाँ पे नहीं था, इसमें मिसिंग था, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 सिक्स स्क्वायर, इतना माइनस कर देते हैं। ध्यान देना दिस डिजिट को दिस डिजिट से माइनस कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो हो जाएगा और सीरीज हमारा यहीं से शुरू रहेगा, यही सीरीज शुरू रहेगा, सेवन स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही सीरीज शुरू रहेगा मेरा। तो हम क्या करेंगे कि अब इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स माइनस, अब वहां पे क्या था सिक्स लिखा हुआ था, एन की जगह पे सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सिक्स टू या ट्वेल्व वन थर्टी अपॉन सिक्स, इस तरह से इसको माइनस कर देंगे जो आएगा रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे लिखा हुआ है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस सिक्स, एक सीरीज कंप्लीट सीरीज को पूरा कर दिया, तो हम यहाँ पे n n प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स कर दिए। बट इस सीरीज में देखो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एन की जगह पे क्या है सिक्स है, एन के जगह पे सिक्स है, इसका मतलब है हम एन के जगह सिक्स पुट कर दिए, एन प्लस वन सिक्स प्लस वन सेवन पुट कर दिए, सिक्स टू जैक टू प्लस वन थर्टीन थर्टीन पुट कर दिए अपॉन सिक्स। ठीक है ना, अब इसकी दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके जो आता वो रिजल्टेंट हो जाता। ठीक है, और जो रिजल्टेंट आता उसको हम जब एन से डिवाइड करते तो एवरेज निकलेगा। ठीक है, जब हम एवरेज डिस्कस करेंगे तो उस चीज को हम क्लियर करेंगे। अब हम सबसे पहले समेशन यानी सब का जोड़, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि सभी का समेशन निकालना होता है, योग निकालना होता है और टोटल नंबर से डिवाइड करना होता है। तो जैसे इसके बाद हम लोग एवरेज डिस्कस करेंगे तो क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका इलेवन स्क्वायर ट्वेल्व स्क्वायर ट्वेंटी नाइन स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा क्या मिसिंग है वन स्क्वायर मिसिंग है प्लस टू स्क्वायर मिसिंग है प्लस इस तरह से टेन स्क्वायर मिसिंग है, यहाँ तक नहीं है नंबर एक, तो मैं यहाँ तक अपना मन से ऐड करती हूँ। तो उसके बाद सीरीज रेगुलर हो जा रहा है ग्यारह स्क्वायर प्लस बारह स्क्वायर प्लस डॉट 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 ट्वेंटी नाइन स्क्वायर, यहाँ तक सीरीज कंप्लीट हो गया। लेकिन हम क्या किए हैं, ये जो है एक स्क्वायर से लेकर टेन स्क्वायर अपना माइनस किए हैं, वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस होगा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 टेन स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस एक कर दिए। अब हम यहाँ पे इसको वैल्यू जो होगी वो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर दीजिए प्लस कर दीजिए, दोनों का फिर क्या होगा जीरो होगा। जैसे ये वन स्क्वायर से लेकर टेन स्क्वायर तक नहीं था, यहाँ पे अगर ये दोनों माइनस कर देते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल सीरीज था वही सीरीज बचा हुआ रहेगा, यानी इसी की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, उस सिचुएशन में पूरे सीरीज लिख ले रहे हैं, उसमें से उसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ट्वेंटी नाइन, तो हम एन के जगह पे क्या पुट करेंगे, एन हमारा ट्वेंटी नाइन है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ट्वेंटी नाइन फिर इंटू ट्वेंटी नाइन प्लस वन, ठीक है यानी थर्टी, फिर यहाँ पे ट्वेंटी नाइन टू जा फिफ्टी एट प्लस वन
59/6 माइनस यहाँ पे क्या है हमारा 10, तो 10 इनकी जगह पे 10 + 1 11 और 10 × 2 = 20 और +1 = 21 अपॉन 6। क्लियर, हमने क्या किया 21 लिया है, 29 लिया है, 30 लिया, 59 लिया है, क्योंकि n की जगह पे 29 था, 29 लिखा है, उसके बाद n प्लस 1 30 हो गया, 30 लिख दिया है, फिर उसके बाद 2n + 1 यानी 29 × 58 +1 = 59 कर दिए हैं अपॉन 6 कर दिए हैं, क्योंकि फॉर्मूला में था, सेकंड में 10 था वो 10 कर दिए हैं। अब इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 8 = 5 - 3/8 ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी रिजल्टेंट आएगी वो रिजल्टेंट हो जाएगा 8170। तो हम लिख देंगे 8170, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो एवरेज निकालना होता हमें, तो हम इसी संख्या को हम 30 से डिवाइड कर देते हैं, तो 30 से डिवाइड करते यानी एन से, यानी जब हम सम निकाल रहे होते हैं उसी में एक संख्या कम लिख देते हैं और एवरेज निकल जाता है। तो चलिए इसके बाद हम एवरेज डिस्कस करते हैं और एवरेज भी बताते हैं क्या, लेकिन इससे पहले इस समेशन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था कि समेशन को ही करके हम टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे हम एवरेज डिस्कस करते हैं। देखिए आप लोग मेरे वीडियो को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके दोस्त को भी बेनिफिट मैंने मिल सके, शेयर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर ले ताकि हम वीडियो डालें वो आपको मिल जाए, और शेयर इसलिए कर लीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। और एक बात और रिपीट मैं कर देता हूँ कि जब भी मेरा वीडियो देखें वो मैं बराबर बोलूँगा आपको कि कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठें, और तब उसे जैसे जैसे मैं स्टेप बाई स्टेप आपको कराता हूँ आप करते जाएंगे, आप विश्वास रखिए आपको मैं बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी, जिस चैप्टर को मैं कराऊंगा वो चैप्टर आपका फुल्ली क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी विश्वास के साथ आगे मैं शुरू करता हूँ। आपको बताता हूँ कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 स्क्वायर नेचुरल नंबर, यानी इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें तो क्वेश्चन इस पर ये पूछ रहा है कि 1² + 2² + 3² + (…) 15² क्वेश्चन एक्चुअली में यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इससे जस्ट पहले हम डिस्कस किए थे 1² + 2² + 3² + (…) n² इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, इसका फॉर्मूला था n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। गुड, यहाँ पे n के जगह पे आपका क्या वैल्यू है 15, तो ये यहाँ पे हम n की वैल्यू कितना लिख देंगे, यहाँ पे हम n की मैं लिख दूँ जो आपने फॉर्मूला बोला n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 6 ये बोला था आपने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 15 15 प्लस 1 16 15 × 2 = 30 और प्लस 1 31 अपॉन 6। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 3 × 5 = 15 ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है ना, 8 × 2 = 40 और 4 × 3 = 1240। ठीक है, ये हमारा समीकरण निकल जाएगा। ठीक है ना, फाइंड द एवरेज कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि एवरेज कह रहा है, एवरेज का मतलब होगा कि मुझे फिर 56 को डिवाइड कर देगा, 56 को कट कर देते हैं, 5 × 3 = 15 5 × 2 = 10 2 × 5 = 20 5 × 8 = 40 यानी 248/3। देखिए एवरेज क्या हो गया, 1240 को 15 से जब डिवाइड कर दिए हैं तो क्या आया 248/3 248/3 इसका जो होगा वो एवरेज हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए थे वो था 1 से लेकर 29 नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके उसका
एवरेज निकालना। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें प्रोफिल सीरीज है। प्रोफिल सीरीज का सेंस कि आपके यहाँ 1 से 7 तक का है, इस तरह का डिजिट दिया हुआ है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन गिवन ऑफ टोटल नंबर। तो इसका सबसे पहले हमको सम निकालना होगा। तो सम कैसे होगा इसका वो जान लीजिए। सम हो जाएगा आपका 15 × 16 n के जगह पर 15 n प्लस 1 15 प्लस 1 16 और 12 n 52 30 प्लस 1 31 अपॉन 6। अब यहाँ पर क्या है 7 टर्म कम है तो 7 यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 7 इंटू एन प्लस 1 8 इंटू 7 टू 14 अपॉन 15 अपॉन 6। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा ये हो जाएगा 3 टू 6 3 5 15 इसको कीजिएगा तो 8 इसको कीजिएगा तो 6 3 टू 6 ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1240 माइनस 140 यानी 1100 हो जाएगा। ये तो आपका सम आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा कि एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना होगा। तो कितने टर्म है तो मान लीजिए 50 है तो हम काउंट कर सकते थे, लेकिन यही अगर 150 होता 145 होता तो काउंट करना मुश्किल हो जाता। इसके लिए एक मेथड होता है एन इज इक्वल टू सबसे लास्ट टर्म लिख दीजिए, लास्ट टर्म आपका 50 है, माइनस इससे जस्ट जो पीछे का डिजिट नहीं है वो संख्या लिख दीजिए, यानी 7 नहीं है तो माइनस 7 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 8। एवरेज हो जाएगा आपका सम अपॉन नंबर, सम हमारा है 1100 अपॉन 8। क्लियर? क्लियर इक्वल टू 137.5। ये हमारा क्या हो गया एवरेज निकल गया। तो इस तरह से जितने भी आपको ब्रोकन सीरीज दिया जाए तो सबसे पहले उसका क्या कीजिए कि सम निकालिए और उसके बाद टोटल ऑफ नंबर निकालिए, उससे डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो था वो रेगुलर सीरीज था उसमें 1 से स्टार्ट होता था, और ब्रोकन सीरीज मिल जाए जिससे टूटा हुआ मिल जाए तो उस सिचुएशन में पहले सीरीज को पूरा करेंगे तो सीरीज को पूरा करने में कुछ डिजिट मिस हो जाएगी, इसलिए उसका हम समेशन निकाल लेंगे और समेशन के बाद टोटल नंबर से हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज करेक्ट निकल जाएगा। क्लियर? क्लियर। देखिए यहाँ पे 1q 2q + 3q ……n³ अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था 1² 2² 3² इस तरह का चीज। ठीक है, अब इसका हमको एवरेज निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले इसका सम निकालना पड़ेगा। तो इसका सम क्या है हमारा n n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे n से डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। इट मीन्स इसका अगर डायरेक्ट एवरेज लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं एवरेज इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब क्या होगा डिवाइडेड n, इस n से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता तो क्या होता हमारा एवरेज n n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, जब भी q वाला कोई भी टर्म आता है उस सिचुएशन में हम लिखते हैं n n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अगर हम ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा डायरेक्ट एवरेज निकल जाएगा। क्लियर? क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे मुझे 1q 2q प्लस 20q तक है तो इसका एवरेज निकालना है तो हम क्या लिखेंगे एवरेज इक्वल टू कहाँ तक n की वैल्यू क्या है हमारा 20, यहाँ पर लिखेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें इसका फॉर्मूला जस्ट पीछे बताया है कि हम n n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 लिखते हैं। ठीक है, इस 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 4 × 5 = 20। ठीक है, 21 का हो जाएगा 441 × 5 × 441 5 × 5 = 20 × 5 = 22 = 22 = 0.5 तो इसका एवरेज हमारा क्या हो जाएगा 2 × 0.5। तो
जब भी इस तरह का सम आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन, एन की जगह पे 20 था, एन प्लस वन यानी 20 प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4, फिर उसका सिंप्लीफाई कर देंगे जो आएगा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ब्रोकन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्रोकन सीरीज है। तो इस ब्रोकन सीरीज को हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सीरीज पूरा करेंगे तो एक से लेकर 20 तक, और मैंने बताया है स्क्वायर वाले में हम डिस्कस भी किया, फिर मैं एक बार और अगेन डिस्कस कर देता हूँ कि जब भी इस तरह का ब्रोकन सीरीज आएगा तो उसमें हम डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका समेशन निकालेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करेंगे। तो इसका समेशन क्या होगा, इसका समेशन का फॉर्मूला हम बताए हैं एन, यानी सम इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या है हमारा 20, ठीक है ना, इंटू 20 प्लस वन का होल स्क्वायर, 20 प्लस वन सबका होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। मैंने फॉर्मूला में बता रखा है कि n n प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर। अब माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये सीरीज 8 तक नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं है, इसका मतलब यहाँ 8 तक प्लस किए हैं, इधर 8 तक माइनस किए हैं, तो वो 8 जो होगा इसका n का वैल्यू 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 9 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 4 8, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा 441, 10 इंटू 100, तो 100 इंटू 441 माइनस 36 का होल स्क्वायर, यानी 441 माइनस 20 माइनस 1296, यानी यहाँ पे हमारा था 20, 20 को 2 से कैंसिल कर दिए 10, और 20 प्लस 1 21, 21 का स्क्वायर हो जाता है 441 और 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, यहाँ पे 9 था 4 था, 9 4 था 36, 36 का जो स्क्वायर होता है 1296 होता है, मैंने 1296 लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको माइनस किए तो हमारे क्या आ गया 1204, ठीक है। अब हमको इन निकालना है, तो इन हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मैंने पीछे बतलाया था कि लास्ट टर्म क्या है हमारा 20, और इससे जस्ट पहले का टर्म कितना है 8, तो माइनस 8 फिर हमारा कितना हो जाएगा 12, एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा हमारा 42804/12, ठीक है। इसको काटेंगे 12 3 36, 12 5 60, 8 12 76, 12 7 84, यानी हमारा हो जाएगा 3567, यही हमारा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें देख रहे हैं आप कि इसमें क्या करें, पहले सम निकालना जरूरी था, ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम सम निकालेंगे, सम के बाद एन निकालेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो आप ब्रोकन सीरीज भी जान गए, रेगुलर सीरीज भी जान गए, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, होप सो। देखिए यहाँ पे है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 19 क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर में, यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लus .. 19 क्यूब, यही है। अब इसका एवरेज निकालना है, तो इसमें क्या है, हम टेन क्यूब हो गए कि हमारा एन की वैल्यू 19 है, तो हम इसका एवरेज जानते हैं, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन, यानी 19 इंटू एन प्लस वन एंड 19 प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना है हम डिवाइडेड 4, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा 19 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन 4, ऐसे कैंसिल 100 टाइम्स से हो जाएगा 1900, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर लिया, एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो आप भी कर सकते हैं। अगर ब्रोकन सीरीज हो तो मजबूरी हो जाती है, उसमें समेशन निकालना होता है, या वो स्क्वायर की संख्या हो या क्यूब की संख्या हो, किसी चीज की संख्या हो, उसमें निकालना पड़ता है, नहीं अगर
रेगुलर सीरीज हो, वन से स्टार्ट हुआ हो, इन नंबर दिया हुआ हो, उस सिचुएशन में हम लोग एवरेज निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी और समय से निकाल लेते हैं। इसका एवरेज होता है क्यू वाले का एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम निकल जाता है। अगर कोई इस तरह का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी कोई सीरीज दिया हुआ हो, जैसे आपका दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ हो, या आपको दिया हुआ हो 3 + 8 + 18 + 33, कुछ इस तरह से दिया हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे आप 3 + 2 = 20, 23, कुछ इस तरह से दिया हुआ हो, तो इस सिचुएशन में भी आप एवरेज अगर निकालना हो और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर क्वेश्चन हो, ध्यान रखिएगा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन द सेंस कि दोनों टर्म का डिफरेंस समान होना चाहिए, जैसे 8 है 13 है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5 है, इसमें कितना है 2 का डिफरेंस है, तो जब डिफरेंस सभी जगह समान होता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर कोई सीरीज दिया हुआ हो और तब एवरेज निकालना हो, उस सिचुएशन में भी हम एवरेज निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू, यानी इसका एवरेज अगर निकालना हो तो हम क्या कर देंगे 23 + 23/2 यानी 30, और इसका एवरेज निकालना हो तो 33 + 3/2 यानी 18, इस तरह से हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो अगर एवरेज निकालना हो, ठीक है ना, मैथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन हो तो उस सिचुएशन में भी आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का ही यूज कर सकते हैं। क्लियर।